झांसी जिले के तहसील मऊरानीपुर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने व्यापार मंडल के अध्यक्ष के साथ की मारपीट, मामला आया सामने। मऊरानीपुर में पुलिस की दबंगई से व्यापारी भी परेशान है। व्यापारी दीपू मोदी के साथ पुलिस के कुछ सिपाहियों ने लात घूंसन से मारपीट कर दी। जानकारी के अनुसार घटना को लेकर व्यापारियों में रोष का माहौल है। व्यापारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को घटना से अवगत कराया है। एक तरफ व्यापारी कोरोना महामारी में पुलिस प्रशासन की सहायता व गरीब लोगों को सहयोग करने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ कुछ पुलिसकर्मी नगर के सम्मानित लोगों के साथ मारपीट जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। हुई है तो क्या घटना हुई थी आपके साथ? कल मैं 8:10 पर अपनी किराने की दुकान पर बैठा था। चीता नंबर 30 की गाड़ी आके रुकी और मुझे बुलाया गया, तो मैं दुकान से नीचे उतरा। उन्होंने कहा दुकान पर नहीं, बीच रोड पर आओ। मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई साहब क्या बात है? उनने कहा मास्क नहीं पहन रहे हूँ। हमने कहा अंदर थे, मास्क पहन ही रहे थे। इतना कहते भी उत्तेजित हो गए। मैंने उनको ये भी कहा कि हम पुलिस का बरहमेश साथ करते हैं, प्रशासन का साथ करते हैं, और शुरू से जब से लॉकडाउन चालू हुआ है व्यापार मंडल मऊरानीपुर, चाहे ATM साहब हों चाहे CEO साहब हों, उनको मालूम है कि एक एक पल हर समय हर संभव मदद कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि यह लॉकडाउन सफल रूप से चालू हो सके। उसके बावजूद भी क्या साजिश थी, क्या कुछ हुआ, हमारे साथ इतनी बदतमीजी की गई, हम सारे व्यापारी इस बात से क्षुब्ध है। आखिर क्या संदेश देना चाहते थे वो, हम मेरी समझ में नहीं आया। मैंने और हमारे सभी साथियों ने माननीय उपजिलाधिकारी महोदय CEO साहब से बात की, उन्होंने भरपूर इसका आश्वासन दिया कि जो भी कार्रवाई होगी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यह पुलिस कथित, ये जो कथित पुलिसकर्मी हैं, ये कोरोना की जंग तोड़ने में लगे हैं कि सहयोग करने वालों की चैन तोड़ने में लगे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही होगा तो हम लोग सहयोग कर रहे हैं, वो अपने घर पर बैठेंगे, और अगर उनके उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम लोग बिल्कुल हर संभव हर अपना वो अपना मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। ना हुई है, क्या हुई है पुलिस वालों के साथ में, क्या क्या बदतमीजी की उन लोगों ने? पुलिस वालों ने जो बदतमीजी की है कि लाल बाजार में हमारे दीपक मोदी नगराध्यक्ष व्यापार मंडल जो हैं उनको दुकान से बुलाया गया, स्पेशली दुकान से बुला करके चीता नंबर 30 अनिल कुमार जो कांस्टेबल है उसने उनको बुलाया और उनको लाज जूतों से मारा और उनसे अवैध तरीके से बदतमीजी की। इसके लिए व्यापारी पूरा नाराज है, उसके खिलाफ पूर्ण तरीके से उसको सस्पेंड जब तक नहीं होगा वो, या पूर्णतः संतोषजनक कार्रवाई नहीं होगी, व्यापारी अपनी लिखा पढ़ी करेंगे। और आगे चूंकि अभी CEO साहब ने और SDM साहब ने और एडिशन साहब ने, चूंकि हम लोगों के इतने अच्छे मधुर संबंध होने के कारण उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि यह सम्मान आपका नहीं, यह सम्मान हमारा खराब हुआ है, इस सम्मान की लड़ाई हम लड़ेंगे, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अभी हम लोग उनकी बात कथा अनुसार रुके हुए हैं। अगर वो लोग जिस दिन कहते हैं कि हमारी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है और हम अगर उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो हम व्यापारी अपने आंदोलन या आगे की कार्रवाई के लिए आगे चलेंगे। सर कुछ व्यापार लोगों ने सर यहाँ पे आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है उनके साथ में, सर क्या घटना हुई है सर आज? देखिए कोरोना बीमारी के चलते लॉकडाउन का अनुपालन करवाना पुलिस की प्राथमिकता है। इसी क्रम में कल सूचना प्राप्त हमको हुई है कि एक दीपू मोदी जी हैं, हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, बहुत ही सम्भ्रांत व्यक्ति हैं। ये करीबन 8 के बाद की बात है, सुबह की। उस समय काफ़ी भीड़ का बाजार हो जाता है और पुलिस जो कर्मी हैं, हमारे आरक्षी हैं, वो भी रह के लॉकडाउन का पालन करने के लिए निकले रहते हैं। ये संज्ञान में आया है कि चीता की गाड़ी संभवतः रही है, दो आरक्षी रहे हैं उस पर, और उनके द्वारा इनको लॉकडाउन के अनुपालन के लिए कुछ निर्देश दिए गए, जिसपे दोनों की गर्मा गर्मी हुई है और अभद्रता की बात आई। उनका प्रार्थना पत्र आ गया है, जांच शुरू कर दी गई है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट प्रेषित की। व्यापारियों ने पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। मऊरानीपुर से पुष्पेंद्र श्रीवास के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।